तो अच्छी पहले ही गर्मी हो रही है और हम अंडा शरीफ खा रहे हैं सुबह सुबह, वो भी काली मिर्च डाल के। अस्सलाम वालेकुम ब्रादरान और सिस्टरान, वेलकम बैक एक और नई वीडियो में। और आज जो है मंडे का दिन है, इन ड्राइव या बाइक चलाने वाले किसी भी राइडर के लिए मंडे का दिन सबसे अहम होता है, क्योंकि मंडे वाले दिन जो है काम बहुत तेज़ होता है। इन ड्राइव पे तो खैर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि इन ड्राइव पे इस वक्त सवारी बहुत ज़्यादा है, बाकी बाइकें वगैरह पे बहुत डाउन है। आज के दिन थोड़ा बहुत काम होता है, वैसे काम नहीं होता। खैर अभी जो है मैं I-9 में खड़ा हूँ, तो दो राइड्स की हैं बड़ी बड़ी, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जी वैसे तो सब ठीक था, मगर अगर मैं इस्लामाबाद ना आता तो बेहतर ही था, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस्लामाबाद ना आऊँ, फिर भी मुझे कोई ना कोई ऐसी राइड आ जाती है जिसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ और वो बंदा एक्सेप्ट भी कर लेता है। और अब भी ऐसा ही हुआ, मैंने अप्लाई करके फिर मैंने कहा अल्लाह करे ना करे ना करे, मगर उस बंदे ने जो है ना एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए मुझे आना पड़ा। अब I-9 में जो है सुकून है, इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो लेट उठते हैं तो यहाँ पे काम भी नहीं होता, और वैसे भी यहाँ के लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं, हर किसी के पास अपनी गाड़ी है, तो इस तरह यहाँ पे थोड़ा काम डाउन होता है। खैर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, कोई ना कोई तो हमारी तरह गरीब होगा। और आजकल ना सर जी बाइकिया वालों ने कोई ऐसी चवल मारी हुई है कि आप एक राइड पे अप्लाई करते हैं तो वो आगे से कहता है जी आप इस बुकिंग पर बोली नहीं लगा सकते या आप ऑफर नहीं कर सकते। अब जब एक बुकिंग आ रही है तो वो ऑफर करने के लिए ही आई है, मगर अक्सर जो है ना राइडों पे बुकिंग पे बंदा अप्लाई भी नहीं कर पाता और वो वहीं पे खड़ी रहती हैं अप्लाई कर करके, वो भी कहते हैं नहीं जी आप इसमें ऑफर नहीं कर सकते, हालांकि मैं गोल्ड कैप्टन हूँ। बाकी इस्लामाबाद में ये फ़ायदा है कि दरख्त बहुत ज़्यादा है, तो बंदे को खड़े होने के लिए साय की जगह मिल जाती है, जबकि पिंडी में ऐसा बहुत कम होता है, वहाँ पे तो सारी धूप ही धूप होती है हर जगह। भाई साहब कई राइडों पे अप्लाई करने के बाद अब जाके एक बंदे ने राइड एक्सेप्ट की है, बैरियर टाउन फेज 7 जाना, और पिकअप भी उनका बड़ा दूर है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और राइड भी बाइकिया पे आई है। इन ड्राइव पे कोई नहीं पिक कर रहा भाई, किसी को भी ऑफर करो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हालांकि आज कमाई का दिन है फिर भी ये हालात है। तो जी बड़ा लंबा सफ़र करने के बाद मैं बैरियर टाउन फेज 7 में आया, ब्लैक कॉम्प्लेक्स है ये, और अभी मुझे बाइकिया पे एक और राइड आ गई है जो कि गुलरेस क्या कहते हैं सफारी विलास लेके जानी है, तो उन्हें पिक करते हैं, वहाँ पर ड्रॉप करते हैं और उसके बाद देखते हैं जी क्या होता है। अभी पिंडी पहुँचा हूँ तो यहाँ पर काम बेहतर है, मतलब कि जैसे ही मैं आया हूँ तो मुझे दूसरी राइड मिल गई है, मगर इस्लामाबाद में तकरीबन आधा घंटा मैं खड़ा रहा हूँ, उसके बाद जाके वो भी मुझे पिंडी से ही राइड आई है, सैदपुर रोड से आई थी, और उसके बाद मैं जो है उनको लेके यहाँ पे आया। यार बड़ा लंबा सफ़र था, मेरे तो जिस्म में दर्द हो गया। अब कोशिश करूँगा कि छोटी छोटी राइडें लूँगा, छोटी राइड्स में ज़्यादा फ़ायदा होता है कि छोटी सी आपने राइड की किराया सही मिल जाता है, तो फिर उसके बाद अगला बंदा ले लेता है बंदा। लंबी राइड पर यह है कि पैसे ज़्यादा मिलते हैं मगर थकावट बहुत होती है। ये है जी विलायत कॉम्प्लेक्स, हर तरफ प्लाजे ही प्लाजे हैं और इस साइड पे भी प्लाजे ही हैं। खैर हम चलते हैं, उस बंदे को पिक करते हैं, वो वेट कर रहा है। तो जी फिलहाल तो मैं गुलरेज आ गया, जिस भाई को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है उन्होंने मुझे तकरीबन 80 रुपये टिप भी दिया है, और फिलहाल मुझे जो है फैज़ाबाद की एक राइड आ गई है। तो जी बीच में उनकी कॉल आ गई थी, तो चलते हैं उनको पिक करते हैं, उनको बड़ी जल्दी है, तो वो कहते हैं जल्दी आ जाएँ, फिर उनको फैज़ाबाद ड्रॉप करना है, तो चलते हैं जी फैज़ाबाद। अभी पिंडी आने का फ़ायदा देख लें आप, एक राइड छोड़ी है तो दूसरी आ गई है। जी बड़ा लंबा सफ़र करने के बाद मैं आ गया हूँ फैज़ाबाद, वैसे तो यहाँ पे राइड नहीं मिलती, उम्मीद है आज भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जी आज जो है हिस्ट्री तब्दील हो गई, तारीख बदल गई, मैं जब भी फैज़ाबाद जाता हूँ मुझे राइड नहीं मिलती। आज क्या हुआ कि मैंने जैसे ही वो क्लिप बनाई कि यहाँ पे राइड नहीं मिलती मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसी वक्त राइड आ गई, और राइड आई गुलबर्ग की, 250 रुपये में मैंने यहाँ पे आना था, मगर उस भाई ने कहा कि मैंने इम्तियाज़ से कुछ सामान लेना है तो आप 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, मैंने कहा कोई मसला नहीं है। उसने वहाँ पे 10 से 15 मिनट लगाए, वहाँ से सामान लिया, और अब जो है उनको यहाँ पे डायमंड माल पे छोड़ा है, और अभी थोड़ा मैं आपको यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बन रही हैं इतनी बड़ी बड़ी वो दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वो वाला माल है जिस पे उस भाई को छोड़ा है, वैसे ये बैक साइड है रेजिडेंशियल एरिया, मतलब ऊपर रेजिडेंसी है नीचे मॉल है, और यहाँ से पीछे से 2 गेट हैं जो ऊपर जाने के लिए लाइक रास्ता है अपार्टमेंट्स पे, और सामने एक और मॉल है, इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, शायद डायमंड 2 हो सकता है जैसा इन्होंने बनाया, और यहाँ पे भी एक बिल्डिंग बन रही है, और वो सामने 2 टावर बन रहे हैं AJ टावर्स, वो गुलबर्ग मॉल है, और ये स्मामा स्टार है, नहीं स्मामा स्टार इसकी बैक साइड पे, यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं शॉपिंग मॉल्स की। खैर अभी तो ये डेवलप हो रहा है, और जब ये हो जाएगा तो फिर यहाँ से लेके तो वो एंड तक आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नज़र आएंगी।
तो खैर अभी अभी मुझे एक राइड भी मिल गई है इस साइड पे, पीछे 2.5 किलोमीटर दूर से आई है चाय खाना से, तो उन्हें चल के पिक करते हैं और जाना है PWD में, तो उन्हें ड्रॉप करते हैं PWD और उसके बाद देखते हैं जी किस्मत कहाँ लेके जाती है। वैसे गर्मी हो रही है आज, धूप बड़ी तेज़ है, तो मौसम थोड़ा बना हुआ है, हो सकता है मौसम बदल बन जाए। तो खैर अभी चलते हैं उन भाई को पिक करते हैं और फिर ड्रॉप करते हैं। तो जी इस वक्त जो है PWD के मेन रोड पे कमाल का रश लगा हुआ है, मैं खुद गलियों से घूम के तो अब यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो जी PWD से अभी जो है मैं ब्रॉन चौक के पास आ गया हूँ और यहाँ पे खान साहब हैं, बड़े पुराने जानने वाले मेरे, उनके पास अभी आके मैंने कहा चलो फिर खाना खाते हैं, तो पता चला जी सालन है नहीं, इसलिए आलू वाला पराठा ले रहे हैं और एक चाय, हमें वही बहुत है। अभी ये करने के बाद घर चलते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं और उसके बाद दोबारा काम पर निकलेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे खान साहब हैं जी, जो कि बड़े नाइस बंदे हैं यार, ये काफ़ी पुराने जानने वाले, अभी इन्होंने होटल शिफ्ट कर लिया यहाँ पे। खान साहब, तो जी ये है हमारा आलू वाला पराठा, उसके साथ यहाँ पे चटनी भी है और हमारे पास केचप भी है और ये हमारी चाय है। ये जी 150 रुपये में ये काम हो गया हमारा, 100 रुपये का सिर्फ पराठा है और 50 की चाय, तो ट्राई करते हैं। यार यकीन करो है तो गर्म मगर है बड़ा मज़ेदार। तो जी मैं फिलहाल जो है घर आ गया हूँ, आधी छुट्टी घर के घर आ गया हूँ, जैसे स्कूल में हमें हुआ करती थी आधी छुट्टी, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, बाकी यार पराठा बड़ा मज़े कर रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि सुबह नाश्ता करने भी उधर ही चला जाया करूँ, यहाँ से करीब ही है, स्कूल क्रॉस करो तो वो उनका होटल आ जाता है, बाकी मोबाइल चार्ज करते हैं और फिर काम पर चलते हैं। यहाँ पर हमारी इंजीनियरिंग चल रही है, हमने बाइक के ऊपर पंखा खड़ा किया हुआ है ताकि जो धुआँ है वो बाहर निकल सके। ये है जी कुछ इस तरह की इंजीनियरिंग, ये काउंटर है गोलगप्पे वाला और उसके ऊपर पंखा खड़ा है क्योंकि भाई गोलगप्पे तल रहे हैं तो धुआं हो जाता है घर के अंदर, इसलिए पंखे से बाहर चला जाता है। तो जी वंस अगेन मैं काम पे जा रहा हूँ, अभी मुझे बाइकिया पे राइड आई है जो कि बैरिया टाउन फेज 1 लेके जानी है, गोरी टाउन से पिक करना है, उस बंदे को बड़ी जल्दी है तो उसको पिक करते हैं, मैसेज भी उसका आ गया है तो चलते हैं उसको पिक करते हैं, फिर उसको ड्रॉप करते हैं। अभी अभी मैंने बाइक किया और इनड्राइव दोनों पे अप्लाई किया था, दोनों राइडों पे, दोनों ने एक्सेप्ट कर ली, अभी फिर जो है इनड्राइव की कैंसिल कर दी है और बाइकिया भी लेके जा रहा हूँ। तो जी बैरिया टाउन में बंदा तो छोड़ लिया है और अब जो है ये पार्सल मिला है गुलरेज से और लेके जाना है जी वेस्टेज 1 वाली साइड पर, अच्छा खासा सफ़र है यहाँ से चूर चौक, और इस वक्त जो है रश भी टका के होता है सदर में, तो देखते हैं क्या बनता है, खैर चलते हैं। अच्छा अब बाइकिया पे राइड होती तो फिर मसला नहीं था, फिर तो इन ड्राइव पे भी उधर की कोई ना कोई राइड मिल जाती, मगर ये राइड इन ड्राइव पे है तो बाइकिया पे तो राइडें हैं ही, अगर सदर की भी मिल जाती तो बेस्ट हो जाता, उसे छोड़ के तो मैं आगे वेस्टेज 1 चला जाता, मगर बाइकिया पे इस वक्त तो कुछ नहीं है, देखते हैं ऑनलाइन करके जाऊँगा, अगर कोई आ गई तो नसीब, आ गई तो डबल राइड हो जाएगी, वरना ये तो कम्प्लीट करनी करनी है। ये है मेन अलाहाबाद रोड और मैं पिछले आधे घंटे से तकरीबन फिर रहा हूँ यहाँ पे, तो कोई भी राइड नहीं आ रही और ये गोलगप्पे वाले अंकल हैं रेडी है गोलगप्पों की, मैंने यहाँ से रेट पूछा है तो 240 रुपये दर्जन, हालांकि हम खुद बेचते हैं 120 रुपये दर्जन। तो जी अलाहाबाद में काफ़ी देर ख्वार होने के बाद 45 मिनट या आधे घंटे से भी ज़्यादा मैं वहाँ पे खड़ा रहा, कोई राइड नहीं आई, फाइनली एक बाइकिया पे डिलीवरी की राइड मिली जो कि बैरिया टाउन सॉरी मीडिया टाउन लेके आनी थी, उसके बाद वो लेके आ रहा था 400 रुपये की थी, तो रस्ते में इन ड्राइव की एक राइड उठा ली सिविक सेंटर की, तो वो भी 250 रुपये की थी, तो सिविक सेंटर छोड़ के मैं सीधा मीडिया टाउन आ गया, तकरीबन 650 की राइड हो गई, फिर मीडिया टाउन से अब ऑफलाइन राइड लेके तो यहाँ पाकिस्तान टाउन गेट पाकिस्तान टाउन का गेट है यहाँ पे खड़ा हूँ, और अभी मगरिब हुई है अजान हो चुकी है तो मैं सोच रहा हूँ घर चला जाऊँ, तो देखते हैं जी अगर कोई घर की राइड आती है तो ठीक है, वरना यहाँ से करीब ही है तो ऐसे चले जाएंगे। तो जी फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर और आज जो है आज का दिन भी ख़त्म हो गया, ज़िंदगी का एक और दिन ख़त्म हो गया है, अभी जो है थोड़ा काम शाम करना है, सुबह एक नया काम हमने शुरू करना है, मतलब मैं सुबह एक नया काम कर रहा हूँ, और उसके अलावा आज की जो वीडियो है उसको यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।